अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, फिर से आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया स्ट्रक्चर लेकर आए हैं जिससे आपका जो स्पोकन लेवल है, जो आप इंग्लिश जो सीखना चाहते हो, इंग्लिश जो बोलना चाहते हो, ये स्ट्रक्चर जो है आपके लेवल को ग्रो करेगा, इन्हेंस करेगा। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल हम लोग आम बोल चाल की भाषा में करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंसेस बने लिखा, उसे हल्के में मत लो। तो अक्सर इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि जो है हल्के में लेना, कि तुम मुझे हल्के में लेते हो, वो मेरी बातों को हमेशा हल्के में लेता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं मेरी वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हैं। पता नहीं लाइक करने में आप लोग का क्या जाता है, अगर आप लाइक करेंगे तो शायद मुझे मोटिवेट मिलेगा, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छे ज़्यादा मेहनत करके स्ट्रक्चर्स लेकर आऊँ और आपके जो लेवल है, आपका जो स्पोकन लैंग्वेज जो है, मैं उसको इन्हेंस करूँ। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं आज का हमारा जो सेशन है क्या है। स्टार्ट करते हैं, उसे हल्के में मत लो। एक सेंटेंस हमारा देख सकते हैं आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसे हल्के में मत लो। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा लाइट। क्या पढ़ा आपने कभी, लाइट आपने पढ़ा होगा, LIGHT। लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट यानी हल्का होता है। क्या होता है लाइट का मतलब, हल्का होता है ना, लाइट हल्का। तो इसमें हम इसको एडवर्ब बना देते हैं तो हो जाता है लाइटली। क्या हो जाता है लाइटली, क्या हो जाता है लाइटली मतलब हल्के में, लाइटली मतलब क्या होता है हल्के में। तो अब यहाँ पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे और इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। उसे हल्के में मत लो, तो नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस है, हम पहले क्या लिखेंगे डोंट, क्या लिखेंगे डोंट, उसके बाद क्या लिखेंगे टेक, डोंट टेक हिम, डोंट टेक हिम। आप देखिए डोंट टेक हिम, उसे मत लो, कैसा लो, कैसे मत लो, लाइटली है ना, डोंट टेक हिम लाइटली, उसे हल्के में मत लो। देखिए बहुत इजी है, आप लोग कोई भी इसको, कोई भी जो बंदा बनाना चाहता है जिसको रीडिंग वगैरह आती है वो भी सेंटेंसेस को बना लेगा। सो आप देखिए सेंटेंस बन गया डोंट टेक हिम लाइटली, क्या हो गया डोंट टेक हिम, उसे मत लो। देखिए डोंट टेक हिम, उसे मत लो, कैसा मत लो, लाइटली यानी हल्के में मत लो, डोंट टेक हिम लाइटली, उसे हल्के में मत लो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है तुम मुझे हल्के में मत लो। अक्सर होता है कि आप किसी को कुछ बात कहते हैं तो वो आपकी बात को शायद हल्के में ले लेता है, मतलब आपकी बात को नज़र अवॉइड करने लगता है, नज़रअंदाज करने लगता है। तो हम कहते हैं तुम मेरी बात को हल्के में मत लो, तो कैसे बोलेंगे चलिए समझते हैं। तो मत लो यानी नेगेटिव के लिए हम डोंट इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे डोंट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, लेना यानी टेक करना, डोंट टेक हम लिखते हैं, डोंट टेक मी, किसकी बात है मेरी बात है, डोंट टेक मी, तुम मुझे हल्के में मत लो, डोंट टेक मी लाइटली हम यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे, हो जाएगा हमारा डोंट टेक मी लाइटली, तुम मुझे हल्के में मत लो। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है कितना इजी है ना, डोंट टेक मी लाइटली, डोंट टेक मी लाइटली, मुझे हल्के में मत लो। ठीक है, जिसकी बात हम लोग करेंगे ये ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, मतलब हो जाएगा वो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि डोंट टेक हिम लाइटली, डोंट टेक यू फादर लाइटली, डोंट टेक योर मॉम लाइटली, डोंट टेक योर टीचर लाइटली, अपने टीचर को हल्के में मत लो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आपने अपने दुश्मन को हल्के में मत लो। अक्सर ये सेंटेंस बोला जाता है अपने दुश्मन को हल्के में मत लो, कैसे बोलेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग वही कह रहे उसी तरह हम लोग बोला डोंट, हाँ तो डोंट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे मत लेने के लिए, डोंट हमने किया, डोंट टेक, डोंट टेक। दुश्मन को क्या कहते हैं, दुश्मन को हम लोग कहते हैं एनिमी, क्या कहते हैं एनिमी कहते हैं, फू कहते हैं, एडवर्सरी कहते हैं। तो हमें अब एनिमी इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं डोंट टेक योर, क्या होगा अपने दुश्मन को क्या बोलेंगे योर एनिमी, डोंट टेक योर एनिमी लाइटली, डोंट टेक योर एनिमी लाइटली, डोंट टेक योर एनिमी लाइटली, कि अपने दुश्मन को हल्के में मत लो, अपने दुश्मन को हल्के में मत लो। चलिए ये क्लियर हो गया, डोंट टेक योर एनिमी लाइटली, अपने दुश्मन को हल्के में मत लो, डोंट टेक योर एनिमी लाइटली। कुछ नहीं करना है हमको, लास्ट में एडवर्ब जो इस्तेमाल लाइटली का इस्तेमाल करना, सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है क्या तुम मेरी बातों को हल्के में लेते, इंटरोगेटिव हो गया, ये क्या होगा इंटरोगेटिव होगी। आपको पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव, अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा क्या तुम मेरी बातों को हल्के में लेते हो, ताते ती वाला रहा इंटरोगेटिव का। सो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे डू यू, क्या इस्तेमाल करेंगे डू यू टेक, डू यू टेक माई वर्ड, डू यू टेक माई वर्ड, यहाँ पर हम लिख देते हैं डू यू टेक माई वर्ड,
लाइटली? डू यू टेक माई वर्ड लाइटली? क्या तुम मेरी बातों को हल्के में लेते हो? देखिए एक बार फिर से देखिए, डू यू टेक माई वर्ड लाइटली? क्या आप मेरी बातों को हल्के में लेते हो? बोलते नहीं, बोलते बहुत ज़्यादा बोलते, क्या आप मेरी बातों को हल्के में लेते हो? डू यू टेक माई वर्ड लाइटली? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा, मैं अपने ज़िंदगी को हल्के में नहीं ले सकता। मतलब नहीं लेने का मतलब ये है कि मैं, मेरी जो करियर है, मेरा जो लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है, मैं इसको बहुत सीरियस हूँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपनी लाइफ को लेकर। तो मैं इसको अगर किसी को बोल रहा यार कि मैं अपनी ज़िंदगी को हल्के में नहीं ले सकता, तो इसका आपको बनाना है आप नहीं सकता सकती वाला सेंटेंस। आगे आपने कैन पढ़ा होगा, मैंने कैन ऑलरेडी मैं कैन पढ़ा चुका हूँ मेरे वीडियोस में, आप देख सकते हैं। सो मैं अपनी ज़िंदगी को हल्के में नहीं ले सकता, हल्के में नहीं ले सकता, इसको बोलेंगे नेगेटिव है। सबसे बोलेंगे को नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई कैन नॉट, क्या इस्तेमाल करेंगे, आई कैन नॉट टेक, लेने को तो हम लोग टेक ही कहते हैं ना, आई कैन नॉट टेक किसकी, क्या नहीं ले सकता मैं मेरी जिंदगी को, आई कैन नॉट टेक माई लाइफ, क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट टेक माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं ले सकता। कैसा नहीं ले सकता, हल्के में नहीं ले सकता, तो हल्के में हम क्या बोलेंगे, लाइटली, क्या बोलेंगे, लाइटली, आई कैन नॉट टेक माई लाइफ लाइटली, आई कैन नॉट टेक माई लाइफ लाइटली। कितना बड़ा से मुश्किल सेंटेंस लगा, लेकिन इसको हम जब बनाएंगे तो कितना आसान स्ट्रक्चर्स है कि आई कैन नॉट टेक माई लाइफ लाइटली, कि मैं अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं ले सकता। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? चलो लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ये हमारा हो गया, आप इंग्लिश को हल्के में क्यों लेते हो, इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड हो गया ना, आप इंग्लिश को हल्के में क्यों लेते हो, मतलब आप इंग्लिश पर मेहनत क्यों नहीं करते हो, इंग्लिश को आप इंप्रूव क्यों नहीं करते हो, इंग्लिश को इतना हल्के में क्यों लेते हो, इस तरह के जो सेंटेंसेस हम लोग सुनने को आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो कैसे बनाएंगे, चलिए मैं सिखाता हूँ आपको। सो आप इंग्लिश को हल्के में क्यों लेते हो, तो ये इंटरोगेटिव है, तो क्यों लेते हो, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, वाई इस्तेमाल हमने किया, वा के बाद वाई डू यू, कौन लेता है, आप लेते हो ना, वाई डू यू टेक इंग्लिश, वाई डू यू टेक इंग्लिश, वाई डू यू टेक इंग्लिश, आप इंग्लिश को क्यों लेते हो, कैसा लेते हो, हल्के में लेते हो, हल्के में बता चुका हूँ, लाइटली, व्हाई डू यू टेक इंग्लिश लाइटली, कि आप इंग्लिश को हल्के में क्यों लेते हो। चलिए तो मुझे लगता है कि आई होप दैट कि आपको जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया होगा समझ में आया होगा और आपने सीखा भी ज़रूर है। तो ऐसे नए स्ट्रक्चर्स और नए एडवांस स्ट्रक्चर्स के लिए मेरे चैनल से ज़रूर बने रहे, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ के लिए, बहुत सारे स्पोकन क्लासेस जो है टिप्स के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें। अगर चैनल अगर पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़। बंद करो।